सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जो है, उसमें आपको समझना है कि तीन तरीके के मेरे पास सेंटेंसेस हैं, राइट। पहला सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें कभी भी मैं दो सेंटेंसेस को नहीं जोड़ता। मैंने एक सेंटेंस लिखा है और बात ख़त्म, ठीक है। तो मैं घर गया, फुल स्टॉप। मैंने खाना खाया, फुल स्टॉप। मैं घूमने गया, फुल स्टॉप। तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अगला सेंटेंस होता है कंपाउंड। कंपाउंड को समझने के बहुत सारे तरीके हैं। कंपाउंड सेंटेंस में मैंने दो सेंटेंसेस को तो जोड़ा, ठीक है, वो मेन और सबॉर्डिनेट भी हुए, बट कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंट है। अगर मैं कंपाउंड को हटा दूं, जैसे मैंने बोला ही स्टडीड एंड हिज फ्रेंड स्लेप्ट, अब अगर मैं इस एंड को हटा के फुल स्टॉप लगा दूं तो भी मेरे क्वेश्चन का मतलब नहीं बदलेगा। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? आप कंजंक्शन या कोई भी एक एक्स्ट्रा शब्द लगाओ किसी को जोड़ने के लिए, या मत लगाओ, सेंटेंस नहीं बदलता है। आपको एग्जाम में क्या आएगा कि सिंपल को कंपाउंड में बदलो या कॉम्प्लेक्स में बदलो। तो कंपाउंड में बहुत स्पेसिफिक वर्ड्स आते हैं, आप फुल स्टॉप लगाओ या कोई शब्द लगाओ, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। वेयरएज जो मेरा तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? अगर आपने कंजंक्शन हटा दिया तो आपकी बात का मतलब बदल जाएगा। सेम सेंटेंस में मैं कॉम्प्लेक्स वर्ड लगा देता हूँ, ही स्टडीड बिकॉज हिज फ्रेंड स्लेप्ट। अब आप अगर इन दोनों में फ़र्क देखोगे तो फ़र्क क्या है? वो पढ़ा और उसका दोस्त सोया। वो पढ़ा फुल स्टॉप, उसका दोस्त सोया। तो आप एंड लगाओ या फुल स्टॉप लगाओ, एक ही बात है। वेरस अगर मैं बिकॉज लगाता हूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है? वो क्यों पढ़ा? क्योंकि उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था, उसका दोस्त तो सो रखा था, तो उसने कहा चलो यार पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो अब हमको ये तीन बेसिक सेंटेंसेस समझने हैं, सिंपल सेंटेंस, इंडिविजुअल, कंपाउंड सेंटेंस, जब मैं दो सेंटेंसेस को तो जोड़ रहा हूँ लेकिन उसके बीच में अगर मैं उसको नहीं भी जोड़ूँ तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जब मैं ऐसा कोई सेंटेंस बना रहा हूँ कि दोनों डिपेंडेंट हो गए, राइट। सो फर्स्ट चीज मेरे पास क्या आती है कि सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बनाओ। तो कंपाउंड सेंटेंस में बनाने के लिए जो बेसिक वर्ड्स मेरे को चाहिए, हु, विच, दैट, ठीक है, एंड, इस तरीके के, बट, ऐसे वर्ड्स चाहिए। तो अगर सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बनाते हैं तो हमको केवल दो तीन शब्दों की ज़रूरत है, हु, विच, दैट, वॉट। इन शब्दों के साथ आप बना सकते हो। कौन से शब्द? Who, which, that or what? अब पहला सेंटेंस आया, he plans to succeed। अब मैं इसमें who, which, that, what लगाऊंगा तो मैं क्या कर दूंगा? मैं सिंपली बोल दूंगा what he plans। उसका क्या प्लान है? Is to succeed। तो ये क्या हो गया? सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। सो कंपाउंड में जो मेरे को वर्ड्स चाहिए, जो मुझे यूज करने हैं, वो क्या यूज करने हैं? हु, विच। सो अगला सेंटेंस क्या है? ट्रुथ कैनॉट लूज। अगेन हु, विच, दैट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? ट्रुथ को मैं चेंज कर दूंगा वॉट इज ट्रू। तो जैसे ही मैंने वॉट लगाया, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वॉट इज ट्रू एक सेंटेंस हो गया, कैनॉट लूज दूसरा सेंटेंस हो गया। तो वॉट्स ट्रू, कैनॉट लूज, पे अटेंशन टू हिज वर्ड। अब यहाँ पे मैं शुरू में नहीं लिख सकता क्योंकि मैं फोकस किस पे करने को कह रहा हूँ? वर्ड्स पे। तो मैं क्या बोलूँगा? पे अटेंशन टू वॉट ही सेज या वॉट एवर ही सेज। सो मैं क्या बोलूँगा? पे अटेंशन टू वॉट एवर ही सेज। पे अटेंशन टू वॉट एवर या वॉट ही सेज या वॉट He says। तो मैंने words को किस में चेंज कर दिया? Says में। तो आपने क्या करना है? Who, which, that पे फोकस करना है, who, which, that, what, और उसको सेंटेंस के बीच में लगाना है। That is called transformation of sentence। Simple। अब ये वापस आते हैं, He found a dead body covered with blood। ठीक है, अब वापस सेम चीज़ है, who, which, that और what। So पहला पोर्शन में as it is लिखूँगा, He found a dead body। अब
क्योंकि डेड बॉडी है, लिविंग थिंग नहीं है, तो हु नहीं लिखूंगा, या तो विच लिखूंगा या दैट लिखूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, विच, विच वॉज कवर्ड विद ब्लड। तो ही फाउंड अ डेड बॉडी विच वॉज कवर्ड विद ब्लड। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, हम लोग सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदल रहे थे। अब अगला सेंटेंस क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में। तो अब आप क्या समझिए, हमें क्या करना है, हमें यहाँ से वापस ऊपर जाना है। तो जब मुझे यहाँ से ऊपर जाना होगा तो हु विच दैट हुम ऐसे शब्दों को मैंने हटाना होगा, ठीक है, और उनकी जगह उसको एक सेंटेंस बनाना होगा। तो हु विच दैट हुम जो लिखा होगा उसको मैंने रिमूव करना है, तो मैं कॉम्प्लेक्स से क्या बना पाऊँगा, सिंपल बना पाऊँगा। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं, आई नो वेयर, तो वेयर को मैंने हटाना है तो वो क्या बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा। तो अब इसको मैं सिंपली बोल सकता हूँ, आई नो द प्लेस ऑफ योर सिस्टर स्टडी। ठीक है, आई नो द प्लेस योर सिस्टर लिव्स, आई नो द प्लेस। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने वेयर को किस में चेंज कर दिया, द प्लेस में, मुझे जगह पता है जहाँ तुम्हारी। अब हु इज दैट बचा, तो वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो गया। नेवर से वॉट इज रॉन्ग। ठीक है, तो जब मैं वॉट की बात करता हूँ तो मुझे वॉट को हटाना है, दैट इज वॉट आई नीड टू वर्क ऑन। सो दिस इज द आइडिया जब मुझको समझना है, जब मैं कॉम्प्लेक्स से सिंपल पे जाऊँगा तो मुझे हु इज दैट हुम हटाना है और मुझे एक सेंटेंस में बनाना है। Never say what is wrong. तो इसका बहुत बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका हो सकता है, don't lie, झूठ मत बोलो। ठीक है, never tell the truth, never tell a lie, कभी झूठ मत बोलो। ठीक है, so never tell what is wrong, तो what को हटाना है, तो what is wrong, wrong को मैंने noun बनाया, wrong का noun क्या हो गया, lie हो जाएगा, इस तरीके के words हो जाएंगे। तो never lie, never say never tell a lie, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सेंटेंस हो जाएगा। अ स्टूडेंट हु इज़ लेजी कांट सक्सीड। वापस मुझे किसको चेंज करना है, हु को चेंज करना है, तो मुझे हु को हटाना है और एक सेंटेंस बना देना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, अ लेजी स्टूडेंट कांट सक्सीड। ठीक है, तो मैंने हु विच दैट हटाया, आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बन गया। तो हु विच दैट हुम, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हु विच दैट हुम व्हाट, ये वाले शब्द आप हटाओगे तो कंपाउंड से सिंपल में आ जाओगे, दो सेंटेंस से एक सेंटेंस बनता रहेगा। नेक्स्ट होता है कॉम्प्लेक्स से सिंपल। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब मैं दो इंडिविजुअल सेंटेंसेस को जोड़ता हूँ। तो जब मैं कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना रहा हूँ, तो मेरे को उन दो सेंटेंसेस को एक में चेंज करना है। ही वॉज प्लेइंग ऑन द रोड एंड फेल डाउन। तो मुझे एंड हटाना है तो वो सिंपल बन जाएगा, तो ही फेल डाउन वाइल प्लेइंग, खेलते हुए गिर गया। वाइल प्लेइंग ही फेल डाउन, तो खेलते हुए गिर गया, तो मैंने क्या लगाया, मैंने वाइल लगा दिया। वाइल लगाते ही मेरा क्वेश्चन जो है वो सिंपल सेंटेंस बन गया, क्योंकि एक बन गया, वो खेल रहा था और वो गिर गया, वो खेलते खेलते गिर गया। ठीक है, तो दो समझ में आया, दो सेंटेंस को मैंने क्या बनाना है, एक बनाना है। तो चाहे कॉम्प्लेक्स से सिंपल आए, चाहे कंपाउंड से सिंपल आए, आपने दो सेंटेंस को एक बनाना है। तो मैंने एंड की जगह क्या लगा दिया, वाइल प्लेइंग ही फेल डाउन, तो वाइल दो सेंटेंसेस को वो कर देता है। आगे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड। तो अब ये बस आपको थोड़ा सा याद रखना है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड क्या होता है। जब मैं कंजंक्शंस की बात करता हूँ तो दो तरीके के कंजंक्शंस होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स एक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंजंक्शंस होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ बिकॉज, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल भी लिया था। तो जब मैं बिकॉज की बात करूँगा तो मैं पढ़ रहा था क्योंकि मम्मी घर पर थी, मैं पढ़ रहा था और मम्मी घर पर थी, तो मैं पढ़ रहा था और मम्मी घर पे थी, आई वॉज स्टडिंग एंड मॉम वॉज एट होम इज अ कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि आपस में कोई लेना देना नहीं है। और मम्मी घर पे थी, मम्मी ने मुझे डांटा होगा इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, बिकॉज लगाते ही आपस में कनेक्शन हो गया। तो आपको कौन से कंजंक्शन याद रखने हैं, आपको ये कंजंक्शन याद रखने हैं, एंड बट येट स्टिल और वाइल, इस तरीके के कंजंक्शन क्या बोले जाते हैं, कंपाउंड। तो आप बिकॉज वगैरह देयरफॉर वगैरह हटाएंगे और इनको लिखने की कोशिश करेंगे, आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स से किस में चेंज हो जाएगा,
कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, राइट। जैसे कि व्हेन शी अराइव्ड एट होम शी फाउंड हर सन मिसिंग, ठीक है। तो व्हेन शी अराइव्ड एट होम, तो हम यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा शी अराइव्ड एट होम एंड हर सन वॉज मिसिंग, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, बट एंड इस तरीके के वर्ड्स लगाने हैं। जब मैं कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में आऊंगा तो मैंने क्या लगाया, शी अराइव्ड एट होम एंड हर सन वॉज मिसिंग, तो ये मेरा बन गया कंपाउंड सेंटेंस। आगे देखते हैं। सो जब मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूँ तो वापस वहीं पे आ गया, बिकॉज वगैरह की जगह आपने क्या लगाना है, एंड लगाना है, बट लगाना है। क्या कहने का क्या मतलब है, कंपाउंड सेंटेंस होता है अगर आप फुल स्टॉप लगाओ या दो सेंटेंस लगाओ तो आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर मैं सबॉर्डिनेट क्लॉज की बात करता हूँ, अगर मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करता हूँ तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, एक हुआ इसलिए दूसरा हुआ। तो ये जो है ये इनको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। आई होप क्लियर हो गया होगा। कुछ भी ऐसा डाउट है, कुछ भी है तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।